हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नदी से होकर गुजरात है मोक्ष धाम का रास्ता। खड़ात के भीलवाड़ा के ग्रामीणों की अंतिम संस्कार के लिए नदी से गुजरने की विवशता। बत्तीसा नाला नदी से होकर जाता है मोक्ष का रास्ता। तेज हवा के चलते रुक जाता है मार्ग। अमूमन अंतिम यात्रा का मार्ग सुगम होता है। जीवन के अंतिम प्लेटफॉर्म मोक्ष धाम तक पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार व क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन शमशान जाने का मार्ग भी दुश्वारियों भरा हो तो दुविधा और भी बढ़ जाती है। खड़ात ग्राम पंचायत के भीलवाड़ा के ग्रामीण भी लंबे समय से कुछ इसी तरह की परेशानी का सामना करने को विवश हैं। कंधों पर अपने की अर्थी लिए हुए ग्रामीणों को बत्तीसा नाला नदी पार कर मोक्ष धाम जाना पड़ता है। ऐसे में घुटनों तक पानी में खुद को संभालने के साथ अर्थी को भी संभालने की दोहरी जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है। मानसून के दौरान मोक्ष का रास्ता बाधित हो जाता है। कहने को ग्रामीणों की ओर से कई बार ग्राम पंचायत व अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन रपट बनाने की जहमत नहीं उठाई गई। ऐसे में ग्रामीण अपनों की अर्थी को कंधे पर उठाए घुटनों तक पानी में से होकर गुजरने को विवश हैं। राज्य सरकार व प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के आयाम स्थापित करने के कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है ये खड़ात ग्राम पंचायत के भीलवाड़ा में सहजता से देखा जा सकता है। खड़ात ग्राम पंचायत के वार्ड 3 व 4 में करीब 2,500 से 3,000 की आबादी निवास करती है। 4 लेन से सटे होने के बावजूद क्षेत्र में 32 नाला नदी परेशानी का सबब बनी हुई है। अपने की मौत हो जाने पर अर्थी को शमशान घाट तक ले जाना टेढ़ी खीर साबित होता है। परिजन व क्षेत्रवासी कंधों पर अर्थी को उठाए घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को विवश हैं। ग्रामीणों को रपट नहीं होने से पानी में से होकर शमशान घाट तक की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत व अधिकारियों को अवगत करवाया, समस्या समाधान के लिए रपट बनाने की मांग की गई, लेकिन विकास का दम भरने वाले प्रशासनिक अधिकारियों व ग्राम पंचायत ने समस्या समाधान की जहमत नहीं उठाई। फिलहाल ग्रामीण कंधों पर अपनों की अर्थी का बोझ उठाए घुटनों तक पानी में होकर संभालते हुए धीरे धीरे मोक्ष धाम का रास्ता तय करने को विवश है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए कन्हैया लाल वार्ड पंच भीलवाड़ा खड़ात इन्होंने ये कहा। मैं प्रशासन से हमारी समस्या के बारे में कितनी बार मैंने बता दिया, सेक्रेटरी महोदय को भी कितनी बार बता दिया, सरपंच साहब को भी बता दिया। हमारे 32 का एक नाला है, उस नाले में बारिश आती है उस टाइम भी हमारे को खूब परेशानी होती है, और बारिश नहीं होती है उस टाइम भी खूब परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ का पानी कभी अटता ही नहीं है। वो समस्या है, हम डेड बॉडी लेके जाते हैं उस समस्या में पानी कितना भरा हुआ रहता है, हमारे को जाने में खूब परेशानी होती है। प्रशासन से यही कहता हूँ मैं कि हमारा ये जो भी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं उसकी प्रशासन हमारी बात सुने और उसकी कार्रवाई करे, ये आपसे निवेदन है। और हमारा रपट का जो भी है आप देख लो भले आके, और हमारी रपट की कार्य बनाई जावे। और 3 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड के लिए ये परेशानी है, और आपसे अनुरोध है कि आप ये हमारा काम करिए। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।